हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दाल मखनी की रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत आसान है, घर पे हम बहुत जल्दी से झटपट से हम कैसे बनाएं। कभी कभी हमारा मन करता है स्पेशल खाने का, तो रोज़ रोज़ दाल खाना या साबुत रोज़ खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसको मखनी कैसे बनाएं और ये टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बनाई है। तो बनने के बाद ये इतनी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, तो खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर लीजिए। और आइए अब हम बताते हैं आपको इसको बनाना कितना आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने उड़द को लिया था, उसको साफ़ करके रात भर के लिए हमने भिगो दिया था। प्याज और टमाटर को काट लिया और उसके बाद कुकर में इसको डाल के पानी डाला, जितना हमने डाल लिया उसका 2.5 गुना पानी डाला। उसके बाद हमने क्या काम करा, उसमें डाला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 जने की बनाई थी। और उसके बाद उसमें हमने एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसमें 6 से 7 सीटी ले ली थी। उसके बाद हमारी दाल उबल के हो गई तैयार। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल को गर्म करा, उसमें जीरा डाला, 2 लौंग, 2 काली मिर्च डाल के भूना। उसके बाद हमने प्याज डाल के अच्छे से इसको भून लिया। फिर उसमें हमने टमाटर डाल दिए और टमाटर डालने के बाद उसको अच्छे से पकाया। हमारे यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक जाए तो उसके लिए हमने डाला उसमें नमक और ऊपर से डाल दी हींग। हींग मैं ऊपर से डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप भी ऐसे ही करें। तो यहाँ पे जब हमारा रेसिपी पक्के हो गई थी तैयार, तो उसके बाद हमने क्या काम करा, दाल को उसमें डाल दिया जब हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ी देर हमने उसको अच्छे से घुमाया। फिर ये जो दाल है जो हमारी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई थी, जब दाल में हल्का सा बबल आ गया, थोड़ा सा गर्म हो गई, उसके बाद उसमें हमने डाल दी इसमें मलाई दूध की, या गाढ़ा दूध भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी दाल बन के हो गई तैयार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। नए चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन